नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कहानियों के इस चैनल कहानियाँ जिंदगी की पर। और मैं शैली आज आप सबके सामने हिंदी साहित्य के महान लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी की जन्मतिथि पर उन्हीं के द्वारा लिखी गई एक बेहद खूबसूरत प्रेम कहानी लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा शब्द है जिसका हर रूप एक दूसरे से भिन्न है। एक प्रेमी युगल अपने साथी में प्रेम का कौन सा रूप देखता है, यह भाव भी अतुलनीय है। किसी को प्रेमी में मातृत्व का सहारा चाहिए, किसी को अपने प्रेमी में पिता या भाई सा संरक्षण का भाव। कहीं मीरा सा समर्पण है, कहीं राधा कृष्ण सी अटखेलियां और चंचलता या त्याग, और कहीं रुक्मणी का अधिकार का भाव, और कहीं बैरागी मन में भी बर्फ में खिली दूबा जैसा प्रेम का भाव। आइए सुनते हैं श्री जयशंकर प्रसाद जी की लिखी एक यायावर की प्रेम कहानी, हिमालय का पथिक। गिरिपथ में हिमवर्षा हो रही है, इस समय तुम कैसे यहाँ पहुँचे? किस प्रबल आकर्षण से तुम खिंचाए? खिड़की खोलकर एक व्यक्ति ने पूछा। अमल धवल चंद्रिका तुषार से घनीभूत हो रही थी। जहाँ तक दृष्टि जाती है, गगनचुंबी शैल शिखर जिन पर बर्फ का मोटा लिहाफ पड़ा था, ठिठुर कर सो रहे थे। ऐसे ही समय पथिक उस कुटीर के द्वार पर खड़ा था। वह बोला, पहले भीतर आने दो, प्राण बचे। बर्फ जम गई थी, द्वार परिश्रम से खुला। पथिक ने भीतर जाकर उसे बंद कर लिया। आग के पास पहुंचा और उष्णता का अनुभव करने लगा। ऊपर से और दो कंबल डाल दिए गए। कुछ काल बीतने पर पथिक होश में आया। देखा, शैल भर में एक छोटा सा ग्रह धुंधली प्रभा से आलोकित है। एक वृद्ध है और उसकी कन्या। बालिका युवती हो चली है। वृद्ध बोला, कुछ भोजन करोगे? पथिक, हाँ भूख तो लगी है। वृद्ध ने बालिका की ओर देखकर कहा, किन्नरी कुछ ले आओ। किन्नरी उठी और कुछ खाने को ले आई। पथिक दत्तचित होकर उसे खाने लगा। किन्नरी चुपचाप आग के पास बैठी देख रही थी। युवक पथिक को देखने में उसे कुछ संकोच न था। पथिक भोजन कर लेने के बाद घूमा और देखा, किन्नरी सचमुच हिमालय की किन्नरी है। ऊनी लंबा कुर्ता पहने हैं, खुले हुए बाल एक कपड़े से कसे हैं जो सिर के चारों ओर टोप के समान बंधा है। कानों में दो बड़े बड़े फिरोजी लटकते हैं। सौंदर्य है जैसे हिमानी मंडित उपत्यका में वसंत की फूली हुई वल्लरी पर मध्यान्ह का आतप अपनी सुखद कांति बरसा रहा हो। हृदय को चिकना कर देने वाला रूखा यौवन प्रत्येक अंग में लालिमा की लहरी उत्पन्न कर रहा है। पथिक देखकर भी अनिच्छा से सिर झुकाकर सोचने लगा। वृद्ध ने पूछा, कहो तुम्हारा आगमन कैसे हुआ? पथिक, निरुद्देश्य घूम रहा हूँ। कभी राजमार्ग, कभी खड्ड, कभी सिंधु तट और कभी गिरिपथ देखता फिरता हूँ। आँखों की तृष्णा मुझे बुझती नहीं दिखाई देती। यह सब क्यों देखना चाहता हूँ कह नहीं सकता। तब भी भ्रमण कर रहे हो? पथिक, हाँ। अब की इच्छा है कि हिमालय में ही विचरण करूँ, इसी के सामने दूर तक चला जाऊँ। वृद्ध, तुम्हारे पिता माता हैं? पथिक, नहीं। किन्नरी, तभी तुम घूमते हो, मुझे तो पिताजी थोड़ी दूर भी नहीं जाने देते। वह हंसने लगी। वृद्ध ने उसकी पीठ पर हाथ रखकर कहा, बड़ी पगली है। किन्नरी खिलखिला उठी। पथिक, अपरिचित देशों में एक रात रमना और फिर चल देना। मन के समान चंचल हो रहा हूँ, जैसे पैरों के नीचे चिंगारी हो। किन्नरी, हम लोग तो कहीं जाते नहीं, सबसे अपरिचित है, कोई नहीं जानता, ना कोई यहाँ आता है। हिमालय की निर्जर शिखर श्रेणी
और बर्फ की छड़ी, कस्तूरी मृग और बर्फ के चूहे, ये ही मेरे सजन हैं। वृद्ध, क्यूरी किन्नरी, मैं कौन हूँ? किन्नरी, तुम्हारा तो कोई नया परिचय नहीं है, वही मेरे पुराने बाबा बने हो। वृद्ध सोचने लगा, पथिक हंसने लगा, किन्नरी अप्रतिभ हो गई। वृद्ध गंभीर होकर कंबल ओढ़ने लगा। पथिक को उस कुटी में रहते हुए कई दिन हो गए, ना जाने किस बंधन ने उसे यात्रा से वंचित कर दिया है। पर्यटक युवक आलसी बनकर चुपचाप खुली धूप में बहुधा देवदार की लंबी छाया में बैठा हिमालय खंड की निर्जन कमनीयता की ओर एकटक देखा करता है। जब कभी अचानक आकर किन्नरी उसका कंधा पकड़कर हिला देती है तो उसके तुषार तुल्य हृदय में बिजली सी दौड़ जाती है। किन्नरी हंसने लगती है, जैसे बर्फ गल जाने पर लता के फूल निखर आते हैं। एक दिन पथिक ने कहा, कल मैं जाऊंगा। किन्नरी ने पूछा, किधर? पथिक ने हिमगिरी की चोटी दिखलाते हुए कहा, उधर, जहां कोई न गया हो। किन्नरी ने पूछा, वहां जाकर क्या करोगे? देखकर लौट आऊंगा। अभी से क्यों नहीं जाना रोकते, जब लौट ही आना है? देख कर आऊँगा, तुम लोगों से मिलते हुए देश को लौट जाऊँगा, वहाँ जाकर यहाँ का सब समाचार सुनाऊँगा। वहाँ क्या तुम्हारा कोई परिचित है? यहाँ पर कौन था? चले जाने में तुमको कुछ कष्ट नहीं होगा? कुछ नहीं, हाँ एक बार जिनका स्मरण होगा उनके लिए जी कचोटेगा, परंतु ऐसे कितने ही हैं? कितने होंगे? बहुत से, जिनके यहाँ दो घड़ी से लेकर दो चार दिन तक आश्रय ले चुका हूँ, उन दयालुओं की कृतज्ञता से विमुख नहीं होता। मेरी इच्छा होती है कि उस शिखर तक मैं भी तुम्हारे साथ चलकर देखूँ, बाबा से पूछ लूँ। ना ना, ऐसा मत करना। पथिक ने देखा, बर्फ की चट्टान पर श्यामल दूर्वा उगने लगी है, मतवाले हाथी के पैरों में फूली हुई लता लिपट कर सांकल बनना चाहती है। वह उठकर फूल बिनने लगा, एक माला बनाई, फिर किन्नरी के सिर का बंधन खोलकर वही माला अटका दी। किन्नरी के मुख पर कोई भाव न था, वह चुपचाप थी। किसी ने पुकारा, किन्नरी। दोनों ने घूम कर देखा, वृद्ध का मुंह लाल था। उसने पूछा, पथिक, तुमने देवता का निर्माल्य दूषित करना चाहा, तुम्हारा दंड क्या है? पथिक ने गंभीर स्वर से कहा, निर्वासन। और भी कुछ? इससे विशेष तुम्हें अधिकार नहीं, क्योंकि तुम देवता नहीं जो पाप की वास्तविकता समझ लो। और मैंने देवता के निर्माल्य को और भी पवित्र बनाया है, उसे प्रेम के गंध जल से सुरभित कर दिया है, उसे तुम देवता को अर्पण कर सकते हो। इतना कहकर पथिक उठा और गिरिपथ से जाने लगा। वृद्ध ने पुकार कर पूछा, तुम कहाँ जाओगे? वह सामने भयानक शिखर है। पथिक ने लौटकर खड्ड में उतरना चाहा। किन्नरी पुकारती हुई दौड़ी, हाँ हाँ मत उतरना, नहीं तो प्राण न बचेंगे। पथिक एक क्षण के लिए रुक गया। किन्नरी ने वृद्ध से घूमकर पूछा, बाबा क्या यह देवता नहीं है? वृद्ध कुछ कह न सका। किन्नरी और आगे बढ़ी। उसी क्षण एक लाल धुंधली आंधी के सदृश बादल दिखलाई पड़ा। किन्नरी और पथिक गिरिपथ से चढ़ रहे थे। वे अब दो श्याम बिंदु की तरह वृद्ध की आंखों में दिखाई देते थे। वह रक्तमलिन मेघ समीप आ रहा था। वृद्ध कुटीर की ओर पुकारता हुआ चला, दोनों लौट आओ, खूनी बर्फ आ रही है। परंतु जब पुकारना था तब वह चुप रहा, अब वे सुन नहीं सकते थे। दूसरे ही क्षण खूनी बर्फ वृद्ध और दोनों के बीच में थी। दोस्तों, प्रेम तो बना ही है हर परीक्षा से गुजरने के लिए, चाहे आपका दरिया हो या बर्फ की आंधी, फिर चाहे अंजाम जो भी हो, मुसाफिर मंजिल तक पहुंचने से पहले रुकते कहाँ हैं?
आदरणीय जयशंकर प्रसाद जी अपनी कहानियों में हिंदी भाषा और विचारों की प्रांजलता व गूढ़ता को प्रश्रय देते हैं। इस कहानी की नायिका किन्नरी पर्वतीय सौंदर्य पवित्रता की प्रतिमूर्ति है। सौंदर्य के अन्वेषी पिपासु यायावर का आगमन उसमें अनजाने अपरिचित कोमल भावना का अंकुर उगा देता है। पथिक व किन्नरी दोनों के हृदय केवल पवित्र भावना को ही जानते हैं, किंतु मलिनता निर्मलता का भेद बाबा की बुद्धि जानती है और प्रेम बुद्धि को अस्वीकार करके निर्मल प्रकृति की गोद को स्वीकार कर लेता है। जयशंकर प्रसाद जी की लिखी इसी खूबसूरत रचना के साथ आज चलती हूँ, बहुत जल्द फिर मिलूंगी। तब तक अपना और अपनों का बहुत सा ख्याल रखें। अब तक ना किया हो या चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करें, पसंद आए तो कहानी को लाइक और शेयर करें। सुखी रहें, प्रेममय रहें और सुरक्षित रहें। नमस्कार।